हेलो एवरीवन, अ वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग सभी को दोस्तों। और आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा ब्लॉग जो होता है वो हमेशा मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग से स्टार्ट होता है और रात तक जाता है, क्योंकि मतलब कि हम लोग, मैं सुबह से बनाना स्टार्ट करता हूँ। पूरे दिन में जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं थोड़ा थोड़ा लेता रहता हूँ, क्योंकि सुबह उठ के हम लोग नाश्ता वगैरह करते हैं, कुछ बातें वगैरह होती हैं, फिर उसके बाद अपने ऑफिस वगैरह चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं तो फिर वापस से सबका मिलना होता है और ऑफिस वगैरह में तो टाइम मिलता नहीं है, तो इसलिए सुबह से लेके ब्लॉग जाता है रात तक। आज है दोस्तों संडे, और संडे का जो मौसम है वो सुबह से ही, बोलना चाहिए रात से ही, लगातार कंटिन्यू इतनी झमाझम बारिश हो रही है ना कि मौसम वो बोल सकते हो घूमने वाला, मस्त खाने पीने वाला है। कई लोग तो सैटरडे संडे मतलब हॉलीडे इंजॉय करने गए भी होंगे, कुछ लोग घर में कर रहे होंगे जैसे कि हम। फिलहाल हो चुकी है गुड मॉर्निंग, चलते हैं नीचे, भूख लग रही है, करते हैं कुछ स्पेशल नाश्ता क्योंकि मौसम है ज़बरदस्त, तो गर्मा गर्म कुछ होना चाहिए। अब वो क्या क्या तैयारी करी है नीचे वालों ने, चलिए देखते हैं। तो यहाँ चल रही है दोस्तों नाश्ते की तैयारी, देखो इधर है मम्मी, मम्मी गुड मॉर्निंग, देखो मम्मी का पता नहीं कौन सा काम चल रहा है, कड़ी पत्ते को तोड़ने का। और आज नाश्ते में बन रहा है यम्मी वाला क्या, साबूदाना बड़ा, गर्मा गर्म मौसम के अकॉर्डिंग दोस्तों। और मौसम बाहर का इतना ज़बरदस्त है ना कि बताना नहीं, एंजॉय करना बनता है। इसमें देखो इन लोगों ने डाल रखा है साबूदाना, आलू और ये पता नहीं क्या, कड़ी पत्ता, जीरा और पता नहीं क्या क्या दिख रहा है मेरे को, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। तो दोस्तों इसमें नाश्ते में बन रहा है अभी गर्मा गर्म साबूदाना बड़ा, जिसकी चल रही है तैयारी, जल्दी से बनने देते हैं, भूख लग रही है, फिर खाते हैं और आपको दिखाते हैं और जलाते हैं। आपको भी खाना है तो आना पड़ेगा, वरना खुद बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं कमेंट करके पूछ लेना, या फिर बनाते हुए दिखा देता हूँ, सीख लो। देख सकते हैं ब्लॉग जो है फूड ब्लॉग होने वाला है अब। ये क्या क्या नमक डल गया है, काली मिर्ची, जीरा पाउडर और क्या डाला है, बस इतना सा चीज़ डाला है, नींबू भी डलेगा क्या जी, नींबू कट रहा है दोस्तों, नींबू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जल्दी से डाल दो, मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है वरना मेरी ऑडियंस बोर हो जाएगी, वरना बीच चले जाएंगे। ये डल गया नींबू, टेस्टी टेस्टी, येलो येलो। देखो रेडी हो चुके हैं और सिकना हो गया स्टार्ट। किन किन लोगों को दोस्तों ये पसंद है साबूदाना बड़ा, प्लीज कमेंट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। बनने देते हैं, सिकने देते हैं और खाने देते हैं, तब तक ये काम करते हैं, साथ साथ में काम करना ही पड़ता है। सुबह का नाश्ता साबूदाना बड़ा, सब लोग खाते हुए, इधर देखो रजनी, इधर मम्मी, इधर पापा, गर्मा गर्म नाश्ते के मजे ले रहे हैं सब मौसम के अकॉर्डिंग। देख सकते हो दोस्तों कितने सारे नारियल पानी पी रखे हैं, और पूरे सर्दियों में सोचा सुखा लेंगे इनको और सर्दियों में जलाएंगे, मतलब अभी सुखा लेंगे सॉरी और सर्दियों में जलाएंगे, लेकिन बारिश होना स्टार्ट हो गई तो अब इनका सूखना भी मुश्किल हो रहा है, तो सोच रहे हैं हटा देते हैं। देखो पूरा का पूरा कट्टा भरा हुआ है, इतने सारे थे देख सकते हो। तो गाइस ये है मेरे हस्बैंड, और ये मुझे रोज़ परेशान करते हैं, कभी कहीं जाना है तो मेरे पास कपड़े नहीं, इसलिए मैंने बहुत सारे कपड़े मंगा दिए। देखो ज़्यादा उल्लू बना रही, ज़्यादा उल्लू क्या, सही बात है। देख सकते हो दोस्तों संडे मिंत्रा हो रहा है, मिंत्रा का ऑर्डर आ गया है, बहुत सारा ऑर्डर कपड़ा आ गया है। ये व्हाइट शर्ट रोडस्टर 1400 रुपए की शर्ट है, बहुत महंगी शर्ट है, कपड़ा कैसा लग रहा है इसका,
की साइज बड़ा है क्या? कॉटन की है सारी। कैसी लग रही है दोस्तों बताना जरा यार, सही लग रही है क्या? ये वापस कर दें तो वाइट येलो सी है, थोड़ी क्रीम सी है ना वो, ऑफ वाइट, एकदम वाइट नहीं है, ऑफ वाइट है वो। और ये देखो ये तो बहुत ज्यादा गोवा वाली हो गई। अरे नहीं है, पहन के देखोगे तो सही लगेगी। अरे गोवा वाली नहीं है यार, गोवा वाले फूल अलग रहते हैं। अनबॉक्सिंग करते हुए दोस्तों, अनबॉक्सिंग पूरे नहीं आ पा रहे हो तुम। सही लग रही है क्या दोस्तों? देखना बताना मेरे ऊपर सही लग रही है क्या, अच्छी लग रही है बताना। अच्छा अच्छा कमेंट करना, फालतू का कमेंट नहीं। सही लग रही है क्या? हाँ सही लग रही है। सही सही क्या होता है, अच्छी लग रही है। सही लग रही है क्या? सही पत्ते पन्नी इसमें डाल दूंगा, जिसकी जिसमें पन्नी है जिसके जिसमें। हाँ ठीक है ठीक है, कंटिन्यू बनाऊं क्या वीडियो? चलने दो ऑडियंस को। देखो दोस्तों पिंक कलर का शर्ट, पीच कलर है ये, ज्यादा पिंक नहीं, बच्चों टाइम हो गया। ठीक है अगर अच्छा लगेगा तो पहन लेना, वरना रिटर्न। कम आ रहा है ये मुझे दोस्तों, सही नहीं लग रही है, थोड़ा ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। आप लोगों को कैसी लगी? या सही लग रही है क्या? रख लूँ के वापस? मुझे तो नहीं लग रहा, वापस करने का मूड हो रहा है। पर वो फोटो में तो अच्छी लग रही है, जैसे मैं पहनने के बाद अच्छी लगी, जैसे मैं इस पर दिखा रही हूँ ना, तो इसमें तो अच्छी लग रही है। और एक टी शर्ट है दोस्तों, एक कुर्ता है, अभी तो एक शर्ट और आने वाली है। ये दोनों तो अच्छे हैं, अब ट्राई करके देखता हूँ फिर फाइनल करता हूँ। ठीक है मिलता हूँ बाद में ट्राई करके। देखो सही लग रही है, अच्छी लग रही है, मेरी चॉइस है सारी तो अच्छी तो लग रही है ना। टी शर्ट तो सही लग रही है दोस्तों ना, बढ़िया टी शर्ट सही लग रही है। चलो ठीक है, चेंज करते हुए भी दिखाऊँ क्या दोस्तों? चेंज हो जाएगा मेरा। हम हो गया है दोस्तों।